देखिए ये रहा हॉट वाटर स्प्रिंग, यहीं से गर्म पानी निकलता है। देखिए कितनी तेज़ निकल रहा, लगभग इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा, इतना हॉट। देखिए आप कुछ भी वहाँ से, इतना हॉट है। ये है हॉट वाटर टब है, यहीं पे सब लोग नहाते हैं, फिर गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हम लोग पहले नहाएंगे यहाँ पे। ये भुंतर वाला भुंतर से आते हैं और ये मणिकरण के लिए जाता है, और इधर वाला रास्ता मार्केट है, अंदर मार्केट है। मणिकरण का मेन ब्रिज है, यहाँ पे साइड पे देखिए अब ताले लगे हुए हैं। अब देखिए देखो है ताले लगे हैं। ये ताले लगाने का इनका ये लॉजिक है कि अगर जैसे ताले लगा के चाबी इस रिवर में फेंक देते हैं, इसमें फेंक देते जिससे क्या होता कि इनकी एज लॉन्ग लाइफ होती है, मतलब एज लंबी होती है। यही सभी लोगों का यहाँ पर मानना है, इसीलिए सब लोग इस ब्रिज पर आके ताले लगा जा। गया हूँ मणिकरण गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे के ये पीछे का आपका जा रहा है ब्रिज, इससे वो गुरुद्वारे के सामने जो बैक साइड में आपको दिख रहा है वो गुरुद्वारा है, और अंदर जाके आपको देख के बताते हैं। आते ही थोड़ा फीलिंग्स बहुत बहुत अच्छी आने लगी, और जो उनका हॉट वाटर स्प्रिंग है वो भी दिखाते हैं वो कैसा है, और पूरी डिटेल बताते हैं गुरुद्वारे के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हिंदुओं के लिए भी है और सिख के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे गुरुद्वारा भी है और भगवान शिव का मंदिर भी है, तो दोनों के लिए है, ये बहुत मान्यता मानी जाती है इसकी। तो चलिए आज देखते हैं। एक नाम जो जागे लागे सारे से सलमान आए, एक नाम कल्पत तारी जो हरे होए सो आना कहे कोई राम राम जन जाने का सोई तेजे राम ग्रामे हो थोड़ी तुई जी देव की पुत्री सुनी पाई सागर जीवरी आला। गौरी कुई जी आपे पावक आपे पावक देखा अजोर सुत का आजा कैसे वे राजा राम नवास आराव इस सुनते से प्राउन डरना सो समझात होता, प्रोग्राम होता तब ये यूज किया जाता है। ये देखिए कितना शानदार व्यू लग रहा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा भाई। मैं यहाँ का प्रसाद ले रहा हूँ, खा रहा हूँ लंगर, और जब भी आप आए कोशिश करें लंगर तो करके ही जाएं, यहाँ प्रसाद है लंगर। अगर यहाँ आएँ तो कोशिश करें कि जो भी खाएं आप बर्तन खुद ही अपने साफ करें, और सेवा भी करके जाएं थोड़ा लंगर में, प्रसाद वगैरह दे के भी जाएं लोगों को। और देखिए ये रहा हॉट वाटर स्प्रिंग, यहीं से गर्म पानी निकलता है। देखिए कितनी तेज़ निकल रहा, लगभग इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा, इतना हॉट। देखिए आप कुछ भी वहाँ से, इतना हॉट है। बाहर भाप वगैरह निकलती हुई दिखी रही, पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा, आप क्लियर देख पा रहे हैं कि नहीं। जो आपको भाप दिख रही है वो निकलती हुई ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, और इसकी वजह से इसका पूरे गुरुद्वारे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बहुत अच्छा लगता है भाई हॉट वाटर स्प्रिंग से, बहुत शानदार भाई। और इसी वजह से गुरुद्वारे के अंदर का पूरे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पूरा एरिया अंदर का हॉट वाटर स्प्रिंग है ना साइड में, उधर साइड को हॉट वाटर स्प्रिंग आपको दिख रहा है, इस वजह से मुझे लग रहा था ज़मीन काफ़ी ठंडी होगी नीचे की, बट ऐसा नहीं है यार, नॉर्मल टेम्परेचर है। मैंने सूट उतार के इजीली में जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है गुरु के साथ आया हो तो मुझे अच्छा फील होगा ही होगा, क्योंकि मेरा ये ट्रैवलिंग गुरु है। मैं एक बड़े यूट्यूबर के साथ आया हुआ हूँ।
फाइनली हॉट वाटर स्प्रिंग में नहा के बहुत अच्छा लगा। सच में जितनी भी थकान थी रास्ते की एकदम रिफ्रेश कर दिया है मुझे, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बढ़िया क्या है, इनमें टॉयलेट के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। और अगर आप कभी आए तो लेडीज़ के लिए अलग बाथरूम है और जेंट्स के लिए अलग है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप एंजॉय करके नहाइए। सच में भाई रिफ्रेश कर दिया भाई, इतना अच्छा। फाइनली आपको जो यहाँ पे लॉर्ड शिवा का टेम्पल है उसकी डिटेल देता हूँ कि इस जगह का नाम मणिकरण कैसे पड़ा है और कैसे ये हुआ है, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। तो लगभग 11,000 वर्ष तक भगवान शिव और माँ पार्वती ने यहाँ पर रह के तपस्या की। तो एक बार माँ पार्वती यहाँ पर जा रही थी तो उनके कान का जो आभूषण था मरड़ी वो नीचे गिर गई जाके और पाताल लोक में चली जाके। तो भगवान शिव ने बोला अपने शिष्यों से कि भाई ढूंढो इनको, काफ़ी ढूंढने पर कुछ नहीं मिला। तो भगवान से क्रोधित होके भाई उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी। तीसरी आँख खोलने के बाद नैना देवी आई और उन्होंने नीचे शेषनाग के पास गई कि भाई भगवान माँ पार्वती की बड़ी है वो निकालो, बोला उनको बड़ी निकालने के लिए। तो अचानक जैसे ही उन्होंने बहुत तेज से फुकार मड़ी, तो मड़ी के साथ माँ पार्वती की मड़ी के साथ और भी सारी मड़ियाँ निकल गईं और उनकी फुकार से इतनी गर्मी। ये प्रसाद में जो चावल मिले हुए हैं वो इसी जो हॉट वाटर स्प्रिंग है उसी से बनाए हुए हैं और वो बन रहे हैं जो मटके में बन रहे वो यही बने और इसी का यहाँ प्रसाद मिलता है। माँ नैना भगवती जो माँ पार्वती की मड़ी शेषनाग से लेके आई थी उनका ये मंदिर रहा पीछे आप देख रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आए तो इनके भी दर्शन करके ज़रूर जाएं। ये विलेज इंडिया से हटके है क्योंकि इंडिया का संविधान, इंडिया का लॉ कुछ काम नहीं करता। मलाना गेट से जैसे ही आपने एंट्री कर दी वहीं से मलाना का संविधान, मलाना के लॉ आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको उनके लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो आपको अच्छा खासा पनिशमेंट होगा। इसमें भारत के कोई भी लॉस और जो